मथुरा जैन इंटर कॉलेज 84 के छात्र यतीन का विज्ञान मॉडल राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में चयन किया गया है। आपको बता दें कि यतीन मथुरा शहर के कृष्णनगर सांची नगर का रहने वाला है, जो मध्यम परिवार से है। राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी पर चयन होने से इसका परिवार क्षेत्रीय लोग गौरवान्वित है। यतीन का विज्ञान मॉडल मंदिरों से निकलने वाले फूल मालाओं से संबंधित इत्र बनाने का कार्य करेगा। ये पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित व पर्यावरण के अनुकूल है। केंद्र सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 4 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य किया गया। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश से 31 प्रतिभागियों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए। इनमें से सिर्फ 2 छात्रों का चयन राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में चयनित होने पर छात्र यतीन को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितिन सिंह ने सम्मानित किया। जैन इंटर कॉलेज 84 प्रवक्ता भौतिक विज्ञान प्रवक्ता अध्यापक अमित तायल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर में चयनित छात्र यतीन ने ब्रज के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली फूल माला को चढ़ाया जाता है। उन फूल मालाओं का इत्र बनाया जाएगा, जो अपशिष्ट प्रबंधन मशीन का निर्माण किया है। इस मशीन के द्वारा मंदिर से निकलने वाले फूल मालाओं को दीपक को इत्र बनाया जाएगा। इस मशीन के द्वारा फूल मालाओं से होने वाले यमुना प्रदूषण को कम करते हैं और कम करने में भी मदद मिलेगी। जी, तो ये प्रेरणा कैसे आई? मेरे को प्रेरणा ऐसे आई कि मथुरा में स्थित मैं रंगेश्वर मंदिर में गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि पुजारी जी का बच्चा खेल रहा था और वहाँ पर जल रहे दीपक ऊपर वो गिर पड़ा। ठीक। और जलने के बाद जैसे कि मंदिरों में फूल माला और दीपक वगैरह का जीप नाली नालियों में और नदियों वगैरह में फेंक दिए जाते हैं, उनको प्रयोग करने के लिए ये मैंने एक मशीन बनाई थी। ऐसे मेरे को आइडिया आया है मेरे परिवार में कि मैं जापान जा रहा हूँ, और भी मेरे गली के भी साथी हैं, वो भी कह रहे हैं अब तो तूने बहुत तरक्की कर ली है, मेरे को मिठाई वगैरह खिला दे, ये खिला दे। मेरा नाम जतेंद्र है, मैं जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र हूँ। मुझे मशीन बनाने की प्रेरणा मुझे मेरे गाइड टीचर श्री अमित तायल के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। ये प्रेरणा मेरे को ऐसे मिली, मैं मथुरा स्थल रंगेश्वर मंदिर में दर्शन करने गया। वहाँ पे मैंने देखा कि पुजारी जी का बच्चा खेल रहा था और वो वहाँ पे जल रहे दीपक ऊपर गिर गया और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर और वहाँ पे मंदिरों में जैसे फूल माला वगैरह और दीपक वगैरह आते हैं, उनको नालियों नदियों नहरों वगैरह में फेंक दिया था, उनको पुनः उपयोग में लाने के लिए ये मैंने एक मशीन बनाई है। इसका नाम है टेंपल वेस्ट मैनेजमेंट मशीन। मेरा इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हो गया है और मैं जापान जा रहा हूँ सरकार के द्वारा, और मेरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है और मेरे दोस्तों को भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त जापान जा रहा है और वो फ़ोन पर स्टेटस लगा रहे हैं मेरे। सभी जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में बहुत सीमित संसाधन है। इन सीमित संसाधनों में हमारे विद्यालय से एक छात्र का इस प्रकार से सेलेक्ट होना, चयनित होना बहुत ही गर्व की बात है। मैं, मेरा पूरा परिवार, बच्चा यतीन उसका पूरा परिवार और हमारा विद्यालय पूरा परिवार बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच से एक छात्र निकलकर जापान जाएगा जो शायद और भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। धन्यवाद। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जैन इंटर कॉलेज 84 मथुरा, ये मेरे छात्र यतीन्द्र द्वारा इंस्पायर अवार्ड में, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इंस्पायर अवार्ड में एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है फ्लावर क्लीनिंग मशीन। इसमें हम मंदिरों से निकलने वाली वेस्टेज को इत्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसमें कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं है। इसमें पॉल्यूशन रुकता है, इसमें नालियों और यमुना जी में होने वाली गंदगी को हम रोक सकते हैं, और इसी के साथ जो इत्र बनेगा वो ठाकुर जी की सेवा में पुनः उपयोग में लाया जाएगा और जो बाद में वेस्टेज बच जाएगी, जो कि एन बचेगी, वो हम खाद के रूप में मंदिरों के जो बाग बगीचे हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। सरकार द्वारा सबसे पहले इसका मथुरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन हुआ था, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे हुआ था। स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होने के बाद फिर हमारा नेशनल लेवल पे हुआ। नेशनल लेवल अभी 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक हुआ, जिसमें विभिन्न भारत के सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्रीय विद्यालयों से विभिन्न बच्चों ने प्रतिभाग किया, उसमें ये 60 बच्चों का चयन हुआ है। थैंक यू।